देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मैच तो शुरू करते हैं अपने टीममेट के साथ, पर वो नहीं बचते, हमको अकेले सर्वाइव करना पड़ता है, या फिर हम पूरा मैच सोलो स्क्वाड खेलते हैं, है ना। तो ऐसा ही मेरे साथ इस वाले मैच में होता है। मैं, गुड्डू और सोना खेल रहे होते हैं, बाबू सोना वाली सोना नहीं, सोना नाम है उनका। तो हम लोग तीनों खेल रहे होते हैं, उतरते हैं नो, पर कुछ ऐसे सीन होंगे दो टीम के बीच में, हम लोग फंस जाएंगे, किस तरह से सबकी चटनी बनेगी और मैं कैसे यहाँ से बच के निकलता हूँ, वो सारा सीन भाई वाओ मोमेंट वाला होगा। आप देखो फिर ही समझ पाओगे, शायद बातों से मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ। फिलहाल हम उतरते, मेरे को यहाँ पे मिलती है बाइजन, मैं आता हूँ इस तरफ क्योंकि मैंने एक बंदा देखा था भागते हुए, तो उसका पीछा करते करते जैसे ही आता हूँ तो फुट स्टेप आती है और यहाँ पे पूरी की पूरी टीम है। तो शुरुआत ही एक टीम से हो रही है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, चार बंदे थे जिनको कि पेशेंटली मैंने हैंडल करा और चारों की पेटी बना दी। एक बोट आता है उसको भी मैं मारता हूँ, फिर हम लोग आगे आते तो एक बंदा जो चोड़ में ऊपर घूम रहा होता है और पता नहीं किस पे तो फायर किया जा रहा था, तो मैं जाता हूँ राइट से, देखता हूँ टीपीपी लेके कि क्या चल रहा है ऊपर। वो लेडिया इसको जैसे ही मारा तो ये सीधा मरा, तो मेरे को लगा टीम खत्म हो चुकी है, तो हील विल करके जाता हूँ आगे लूटने। पर भाई जैसे ही लूटने लगता हूँ तो सामने के वेयर हाउस से मेरे को बहुत सारे बंदों की फुटस्टेप आ रही थी, तो फटाफट से यहाँ पे M4 उठाता हूँ, ग्रेनेड उठाता हूँ और फेंकता हूँ कुक करके। अब देखना यहाँ पे दो टीम के बीच में हम कैसे फंसते हैं। मार्क द लोकेशन। ओह, एक नंबर। ये अभी अभी जो लेफ्ट में बंदे दिखे, ये दूसरी टीम है, मतलब अब होने वाली है फुल भसड़। अरे बाहर से निकले ना ये। अरे टच करो नहीं, पीछे से आ रहे बंदे हैं। भाई साहब, इस वाले बंदे को मैंने जैसे ही मारा और जब पेटी इसकी डायरेक्ट बनी तो सही बताओ मेरे को सांस में सांस आई। मैंने कि चलो भाई अब जाके सब कुछ खत्म हो चुका है, यहाँ पे 7 किल मिले मेरे को, समझ सकते हो, दोनों टीम को मैंने मारा। तो यार इस वाले सीन के लिए तो जो भी है लाइक वाइक बनता है, सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। तो यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका था, सबको मार दिया था, तो मैं निकलता हूँ आगे, सोलो बचा था। तो अब देखो एक डर था कि कुछ भी गलती करी तो पेटी बनना ही है, तो मैं यहाँ पे डर डर के जा रहा था आगे और सोच रहा था कि ये जो बग्गी वाला जा रहा है मेरे सामने, ये रुक ना जाए, पर भाई ये रुक जाता है मेरे को मारने के लिए। और देखो दोनों के बीच की फाइट। अरे झांक अरे 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 अब इस बंदे ने चलाई यहाँ पे DP, तो वो एक छोटी मोटी गन नहीं है भाई, अगर थोड़ा सा भी आपको पड़ा तो आपकी पेटी बन सकती है, जैसे कि आप देख सकते हो कितना खतरनाक डैमेज दिया मेरे को। तो मैं यहाँ पे हील करता हूँ, स्मोक करके आगे रश करता हूँ, थोड़ा सा फॉल बैक कर चुका है, पर उतनी देर में मैं देखता हूँ कि यार एक और गाड़ी दिख रही है, कहीं इसी के तो टीममेट नहीं है। अरे वो देखो पीछे बन गया है, कहीं वो निकल गया ना गाड़ी लेके। या तो कूद गया ये कहीं। अरे
अरे बहुत बढ़िया। अब ये वाले भाई यहाँ पे खुद डरे हुए थे और अकेले थे, तो ये मेरे को क्या ही मारते। तो मैंने इसका डर का फायदा उठाया, इसको मार दिया। फिर देख रहा होता हूँ कि वो जो दूसरी टीम थी, मतलब वो कंफर्म हो चुका था तो दूसरी टीम थी, तो उसको ढूंढता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आता हूँ तो राइट के कंपाउंड से मेरे को फायर की आवाज़ आती है, मतलब कोई गोली चला रहा होता है। तो मैं सीधा बग्गी लेता हूँ, ठोकता हूँ इस घर में और कोशिश करता हूँ कि बम वम से बंदे फोड़ूँ। अब देखना मेरा नीड। दीदी भाई रुको रुको, मैं मार रहा, ये लो। मेरे नेट बंदों पे नहीं फट रहे, वो वाली बात अभी हटाओ यार, ध्यान दो गुड्डू की बातों पे। मतलब लड़की सोना को आए हुए एक दिन नहीं हुआ, पर भाई को देख रहे हो तुम, मतलब बोल रहे हैं कि ये जो कैरेक्टर खेल रहा है ये डीटी भैया नहीं खेल रहा है, ये खुद गुड्डू खेल रहा है। मतलब हद होती है यार पटाने की, लार टपकाने की, पता नहीं क्या है भाई। पर जो भी है चलो, इन दोनों का लगा रहे, अपन तो गेम में ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे मैं इस बोट को नहीं मारता क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये बंदे जो है इस घर वाले, ये डिस्ट्रैक्ट हो उस बोट से और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ़ायदा उठाऊँ। और भाई ऐसा ही होता है। अरे जोन भी आ गया। अरे गजब, ओ मैं अपने आप ही भूल गया गलती से, क्या मारा मैंने। चलो इस टीम को तो मैंने मार दिया, पर गुड्डू की बातों पे आप ध्यान दे रहे हो, सुधरेगा कभी ये? सोना उसको भाव तक नहीं दे रही भाई, फिर भी पता नहीं क्यों अपनी, छोड़ो क्या ही बोले, होती है लड़कों को गलत फहमी अक्सर। तो यहाँ पे यार इन सब की पेटी बनाने के बाद मैं सोचता हूँ क्यों ना ड्रॉप पे तो लेवल 3 हो जाए, है ना, आइटम उठा ले, क्या पता ग्रोजा मिल जाए तो और आसानी होगी। पर भाई पहले से यहाँ पे बंदे दिखते मेरे को। अरे वो रहा बग्गी से, दो बंदे हैं, ग्रोजा भी उनके पास। अरे यूजी भी है। अरे ये तो ड्रॉप लूट रहा भी है, ऐसा क्या है ड्रॉप में? अरे बहुत अरे उसको मार सही बताऊं तो मैं यहाँ पे ऊपर इसलिए रुकता हूँ क्योंकि मेरे को लगा कि ये एक ही टीम है जो कि दो बग्गी लेके घूम रही है। पर भाई जब ये ऐसे लड़े तो समझ आ चुका था कि अलग अलग टीम है, तो थर्ड पार्टी करने जाता हूँ। पर राइट वाली पहाड़ पे, मतलब रिच पे, एक और टीम आ चुकी है जो कि अभी फायर करेगी, उसको अपन थोड़ी देर बाद मारेंगे, पहले इनसे भिड़ता हूँ। अरे अरे लेट गया। इस घर पे मैंने जो कांड किया, आपने देखा होगा कि मैं आखिरी वाले बंदे को ना मार के नोक वाले बंदे को पहले मार रहा था, क्योंकि यार वो मैंने नोक नहीं किया था, वो किसी और ने नोक किया था। तो मैं सोच रहा था पहले उसको मार दूं ताकि किल अपने खाते में आ जाए, और ऐसा ही करता हूँ भाई। रिस्क था बहुत ज़्यादा, वो बंदा मार सकता था, पर अपन ने भी थोड़ा दिमाग लगाया उसका। जब रिलोड पे गया तब जाके अंदर घुसा और नोक वाले को मारा, फिर उसको मारा, तो यार यहाँ पे 3 किल मिल गई मेरे को। चलो कोई ना, फिलहाल ऊपर बंदा नोक किया था मैंने, तो उस पर रश करता हूँ बग्गी लेके। अरे वाह यार, मैंने क्या मारा है? क्या किसी ने नोटिस किया कि गुड्डू भैया को सोना मैम की तरफ से कोई भी भाव नहीं मिल रहा? पर फिर भी पता नहीं गुड्डू क्यों बोले जा रहा है कि यार मैंने क्या ही मारा, क्या ही मारा। मतलब गुड्डू के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ, वो बोलना चाह रहा है कि ये गेम डीटी नहीं खेल रहा, ये गेम गुड्डू खेल रहा है, पर कोई भी भाव नहीं मिल रहा, बुरा लगा। तो कोई ना यार, इनको जैसे ही मारता हूँ इमोट करता हूँ और फिर निकलने वाला होता हूँ। उतनी देर में एक डांसे की आवाज़ आती है। ड्रॉप में कुछ था ही नहीं खास। आवाज तो नहीं आ रही भागने की। वहां मत चुप। अरे एक लेता है, दो है, नीचे लेता है, नीचे लेता है। क्या
यहाँ पे मैंने दो बंदे नोक किए और मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही थी कि चारों तरफ से मेरे को ही बंदे क्यों मार रहे हैं। पर थोड़ी देर बाद समझ आ जाता है कि ये भाई एक ही टीम है जो कि स्प्लिट है। तो मैं पीछे एक स्मोक करता हूँ ताकि पीछे वाला बंदा मेरे को ना मारे, बार बार डैमेज दे रहा, तो हील करता हूँ। फिलहाल इस वाले को मतलब पकड़ता हूँ जो इधर पेड़ पे बैठा है। अब इस वाले बंदे के पास यहाँ पे बोल्ट एक्शन थी, तो थोड़ा बच के मैंने जो खिड़की से पीक ना लेके गेट से पीक दिया और बंदे की पेटी बनाई, और यहाँ पे जो नोक था उसकी भी पेटी बनाई। फिर बग्गी लेके निकलता हूँ उस आखिरी बंदे को मारने जो कि पीछे से परेशान किया जा रहा था। तो भाई इसको मैं नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि यार पीछे से मारते हो भाई बुरा लगता है यार। दर्द मतलब मतलब कि यार थर्ड पार्टी करोगे क्या, चीटिंग करोगे क्या? हेलो ऑल बॉल पे नीड आ रहा है, भग गया वहां से। नीड आ रहा है, नीड अपने पार्टनर को निकल गया वहां से। अरे वाह यार, मैंने क्या मारा है तेरे से। अब मैं क्या बोलूँ, गुड्डू तो सुधरने वाला नहीं है और ना ही सोना मैम जो है भाव देने वाली है। पर आप लोग तो दे सकते हो ना, मतलब वीडियो को लाइक दे सकते हो, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना। अब देखो आखिरी बंदा हो जाता, ढूंढता हूँ तो पता चलता है बोट है। पर भाई ये बोट इतना खतरनाक अमर बोल सकते हो आप इसको, मतलब ये मरता ही नहीं है। देखो कितनी बार गाड़ी चढ़ाता हूँ, गिनना आप कितनी बार चढ़ाई मैंने, और कमेंट में बताना। चौथी बार में मर जाएगा ऐसा लग रहा। नहीं होना चाहता, ये चिकन लेके जा रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ। गाड़ी एम भी नहीं चेक कर रहा बॉल, अब गया। अरे हड्डी अरे खुद ही मर जाओ कहीं। कमेंट में जिन्होंने भी सही जवाब दिया उस प्रश्न का जो कि था हमारा कितनी बार मैंने बोट पे गाड़ी चढ़ाई, तो जिन्होंने भी सही दिया बधाई हो, आप बिल्कुल सही हैं, आपकी आंखें सही काम कर रही है, आपको गिनती आती है, इससे ये पता चलता है। खैर मजाक कर रहा था। जो भी यार, अगर आपको गेम प्ले पसंद आया हो, सोलो भी स्कोर का शुरू से लेकर आखिर तक मैं ही बचा था, और जितने भी सारे क्लच सीन हुए वो सब पसंद आए हो, ऐसे ही गला फाड़ कमेंट्री सुनना चाहते हो, गला फाड़ते फाड़ते कुछ और फट हाँ तो मतलब सुनना चाहते हो, तो फटाफट से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, और चलो फटाफट से कर दो इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, हाथ धोते रहना, स्टड घर पे, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, जय श्री महाकाल।